लगभग 2 माह पूर्व बामूर कला में हुई 2 लाख की चोरी की वारदात को अपने लिए एक चुनौती मानकर अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बामूर कला पुनीत वाजपेयी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया, एसडीओपी पिछौर दीपक तोमर के मार्गदर्शन में अपनी पुलिस टीम और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर इस केस को निपटाने के लिए लगा दिया। 1 फरवरी को रात में मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को बामूर कला पुलिस ने कृषि उपज मंडी बामूर कला में धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में तीनों ने बामूर कला रेडी चौराहा हीरापुर पिछौर पृथ्वीपुर जैरोन मोहनगढ़ में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। तीनों आरोपियों ने खुद को ललितपुर निवासी होना स्वीकार किया। अपना एक और साथी जो कि भीतावार में रहता था उसकी भी जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों के पास से लगभग 1,35,000 का सामान पुलिस ने जब्त किया है। इनमें से एक आरोपी पर उत्तर प्रदेश में नकबजनी डकैती हत्या के करीब 19 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। एक अन्य आरोपी पर करीब 15 अपराध दर्ज हैं। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बामूर कला पुलिस का सराहनीय योगदान रहा। सर, बामूर पुलिस ने जो अभी एक सातिर गिरोह पकड़ा हुआ है, इस पूरी प्रणाली को आप लोगों ने कैसे अंजाम दिया है और अभी तक इनसे क्या जानकारी मिल पाई है? ये पिछले समय से कुछ चोरियां घटनाएं हुई थी पूरे सब डिवीजन में। बामूर कला में भी एक चोरी हुई थी जो 6 दिसंबर को पंजीबद्ध हुई थी। इसके अलावा और भी थानों में हुई थी आसपास के। तो ऐसा समझ में आया था कि कोई ऐसी गैंग है या गिरोह है जो लगातार ये चोरी की वारदात कर रहा है। तो सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। उसी के तारतम्य में ये थाना प्रभारी बामूर कला श्री पुनीत वाजपेयी, उन्होंने इसमें मुस्तैदी से अपने मुखबिर लगाए हुए थे। तो जानकारी मिल रही थी कि कोई बाहर से आ रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ये 1 तारीख को ऐसी मुखबिर से सूचना मिली कि ये हो सकता है ललितपुर के कुछ लोग हैं जो यहाँ वारदातों को अंजाम दे जाते हैं कृषि उपज मंडी के पास में। उनकी इस तरीके से सूचना मिली कि शायद वही हो सकते हैं। उन्होंने मुखबिर की जो सूचना मिली थी उसके अनुसार अपनी टीम लगाई और काफ़ी इनोवेटिव तरीके से स्वयं के जो कुछ इन्होंने प्रयास कर रखे थे उसके माध्यम से इनको पकड़ा। जब इनसे पूछताछ करी गई है तो इनसे ये सूचना ये खबर मिली इनको कि ये चोरियाँ जो यहाँ बामूर कला में भी हुई थी और बाकी अन्य थानों में भी हुई हैं, इन्होंने काफ़ी अंजाम दिया हुआ था। जो चोरी यहाँ बामूर कला में अपराध क्रमांक 218 पंजीबद्ध हुआ था, उसमें करीबन जो कुल माल है जो फरियादी ने बताया हुआ था 1,90,000 का उन्होंने बताया था। इनसे पूछताछ करने पर ये 3 आरोपी सामने आए हैं। इसके अलावा इनका एक सहयोगी सुनार भी है जो पृथ्वीपुर का है। ये 3 आरोपियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और करीबन 1,35,000 का मसूरका भी जब्त किया है। बाकी और भी चोरियों के संबंध में इनकी जानकारी मिल रही है, तो इनकी पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी और संबंधित थानों से जहाँ से इनकी चोरी की इनसे जानकारी प्राप्त होती है वहाँ सूचना भेज के उनको भी बुलवाकर इनसे पूछताछ कराई जाएगी। सर, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये अंतर्राज्यीय ग्रोह है? हाँ बिल्कुल, ये अंतर्राज्यीय ग्रोह है। ये रहने वाले ललितपुर के हैं और कई थानों में इन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पिछौर में भी, पृथ्वीपुर में, जीरोन में, मोहनगढ़ में, खनियादाना में। इसके अलावा हो सकता है पूछताछ में और भी नाम सामने आए। और ये काफ़ी सातिर चोर हैं जिन पर कई तरह के अपराध दर्ज हैं। इसमें जो एक बंटी राजा सन ऑफ देवेंद्र परमार है, इस पर अलग अलग थानों में कुल 19 अपराध पंजीबद्ध हैं जिनमें हत्या के प्रयास, लूट, नकबजनी, चोरी, इस तरह के अपराध हैं। इसके अलावा एक और जो दूसरा अपराधी है राजन राजा सन ऑफ गोविंद सिंह, ये भी ललितपुर का रहने वाला है, इस पर 15 अपराध इसी प्रकार की पंजीबद्ध हैं। तीसरा अभी इसने जो योगेंद्र राजा है इन्हीं के साथ जो चोरियाँ करने के लिए आता था उस पर अभी अपराधों की जानकारी तो अभी तक की पूछताछ में नहीं आई। हो सकता कोई अपराधी पंजीबद्ध हो, लेकिन उसने भी इनके साथ ये गैंग के रूप